वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज मेरी आ रही है? बताइए, सारे लोग बताइए आवाज क्लियर है या नहीं। आवाज क्लियर है? रिस्पॉन्स दें। ओके, वेरी वेरी। कल देखिए, हम लोग पहले चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे थे, आज भी करेंगे, कोई नई चीज भी पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज वगैरह निकालने आया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। उस कंसेप्ट पर मैं लगातार दो तीन क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, जैसे एक आसान क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सोडियम, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है। ठीक है, तो ये पहले निकालिए, मैं पहले आसान दिया हूं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। आपको ए पर है 50%, बी है 56%, एंड सी है 46.6%, डी ऑप्शन है आपके पास 52%। ये आपको ऑप्शन है, तो ये मैं आसान क्वेश्चन दिया हूं, उसके बाद वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब होगा। इस साल चलिए जल्दी कीजिए, तो आंसर में चलिए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। किसी भी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना हो इन कंपाउंड, उसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास हो, इनटू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। दिस इज द फॉर्मूला। अब देखिए, ये तो मैंने आसान दिया आपको, इस पर देखिए अच्छे क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो आपको बताया जाएगा। समझा कि नहीं? ये आपका फॉर्मूला हुआ, इसको जिनको लिखना है लिख लें। अब मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आ चुके हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपको करा रहा हूँ, जल्दी करें। इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर बाय मास। कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ऑप्शन है 100 U, बी ऑप्शन है 900 U,
सी ऑप्शन है आपके पास 500 U, बी ऑप्शन है 1000 U। ये आप मुझे करके दिखाएं। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है। अच्छा चलिए, तो मेरी आवाज आप क्लियर? वरुण, चलिए यहाँ देखे सारे लोग, चलिए हाँ इसका आंसर डी है। चलिए यहाँ देखिए डी क्यों है, व्हाट्सएप यहाँ मिनिमम का वर्ड का है, परसेंटेज ऑफ सल्फर है, पहले तो फॉर्मूला परसेंटेज का है, तो नंबर ऑफ एटम और से सुन इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, सारे लोग सुने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। इधर सुनिए, इंसुलिन का फॉर्मूला तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए सल्फर कितने हैं ये मालूम होना चाहिए, नहीं है इसलिए मिनिमम का वर्ड लिखा। देखिए मिनिमम का मतलब ये हुआ, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मीन इंसुलिन कंटेन्स एटलीस्ट वन सल्फर तो होगा ही, एटलीस्ट वन सल्फर एटम, एक सल्फर होना चाहिए। इसलिए हाँ अगर मॉलिक्यूलर वेट लिखता तो दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, तो फिर वहां आपको मेंशन दिया रहेगा, या तो फॉर्मूला दिया रहेगा या आपको लिख देगा दो एटम्स हैं, चार एटम्स हैं, इस तरह लिखेगा, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमें नंबर ऑफ एटम मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मिनिमम लिखा। तो मिनिमम का मतलब ये हुआ एक सल्फर तो होगा ही, दैट द रीजन। आप देखिए 3.2 है इंटू 100 है, 3.2 नंबर ऑफ एटम वन, सल्फर का एटॉमिक मास 32, मॉलिक्यूलर वेट मालूम नहीं, तो एम इज इक्वल टू, तो आपके पास कितना हो जाएगा बताइए कि 32 × 100 / 3.2, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए 1000 U, दिस इज द आंसर। तो परसेंटेज पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस पर आएंगे। बताइए सबको समझ में आया, कहीं पर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट लिख दे तब समझ जाइए जिसका परसेंटेज कह रहा है वो एक है। बोलिए आया सबको समझ में? चलिए रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्स करें सारे लोग प्लीज। हाँ, या तो आपको फॉर्मूला दिया रहेगा नंबर वन, नंबर टू अगर फॉर्मूला नहीं दिया है तो मेंशन करेगा कि कितने एटम हैं, चूंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है इसलिए मिनिमम का वर्ड लिखा। इसी पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 14
कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 22.4%. फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड. ए ऑप्शन 3000, बी ऑप्शन 750, 12000, 600. अब देखिए फॉर्मूला नहीं दिया तो यहां मेंशन, ये मुझे आप करके देखें. चलिए चेक कर लेते हैं, दमन का आंसर आ गया. अरिशा का आंसर आ गया, वेरी गुड. ये तो सबसे आंसर आना चाहिए भाई अब तो. हाँ मोस्टली स्टूडेंट का बी आ रहा है, देखते हैं. तो देखिए आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन है 14 × 12 बाई मॉलिकुलर वेट इंटू 100. ये कितना देवा भाई 22.4 14 × 12 बाई एम इंटू 100. तो एम इज इक्वल टू 14 × 12 इंटू 100 इंटू 10 बाई 224. ये आपका आंसर है. इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है. 14 × 12 750. इसका आंसर आ गया 750. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बताइए तो देखिए परसेंटेज पर भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको. मिनिमम मॉलिकुलर वेट का आएगा तो 1 मान लीजिए है. अब देखिए फॉर्मूला यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ मेंशन है 14 जब मेंशन है इसलिए मिनिमम का वर्ड नहीं लिखा. चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन है. कैफीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मॉलिक्यूलर वेट 194. द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड इज 28.9%. कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल. 2, 6, 4, 3.
आपका सी आंसर, हाँ किसी का आंसर सी आया भाई, देखिए हाँ रजा का भी आंसर सी आया माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। देखिए इसमें आपको क्या करना है, फिर वही परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, 14 है, 194 है इंटू 100 है, तो नंबर ऑफ एटम जो हो जाएगा 194 इंटू 28.9 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100, उसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको 4 ही आएगा, समझा? आप 194 मल्टीप्लाई बाय 28.9 डिवाइडेड बाय 300, तो आपको 14 4 आएगा, ये आपका आंसर हुआ। तो बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो जाएगा इस चैप्टर में। चलिए अच्छी बात है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं हाँ अलग से दे रहा हूँ, वो कीजिए, उसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म्स पर आएंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स में इस साल भी जीमेंट ने डिग्री ऑफ हार्डनेस वगैरह पूछा था, मोलारिटी वगैरह तो आप जानते हैं, उसका एक आध क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उस पर जोर देंगे। इस साल आया था क्वेश्चन जीने और नीट में भी आता है, तो एक क्वेश्चन बस मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना शुरू किया, लिखिए द मास ऑफ थ्री एटम्स, द मास ऑफ थ्री एटम्स ऑफ एलिमेंट, द मास ऑफ थ्री एटम्स ऑफ एलिमेंट, उसको एक्स कहा गया, इज 2.8 × 10⁻²⁻²⁰ ग्राम। क्लियर है? इफ देयर आर 30 न्यूट्रॉन, इफ देयर आर 30 न्यूट्रॉन इन वन एक्स एटम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एक्स टू प्लस आयन विल बी, क्या रहा है यहाँ पर केज, अवोगैड्रो नंबर जो लेना है वो 6 × 10⁻²³ लेना, ए ऑप्शन 30, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन 26, डी ऑप्शन 28। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है, आप ध्यान दो, सोचे, कल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सिखाया था, अब ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट रहेगा तो ध्यान दीजिए आप अच्छे से निकालिए, कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस एलिमेंट का क्या मालूम होना चाहिए, पहले
एटॉमिक नंबर है कि नहीं, या मास नंबर मालूम होना चाहिए, एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए, कुछ भी मालूम होना चाहिए, वो आप निकालिए। तो अगर हमें एटॉमिक मास मालूम हो जाएगा तो फिर आपको मालूम हो जाएगा। हमें बस x का एटॉमिक नंबर मालूम कर लीजिए, जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें से दो घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो आपको मेन टारगेट करना है इस डाटा की मदद से x का इलेक्ट्रॉन निकालना। चलिए ठीक है, बहुत सारों का आंसर आया है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। पहला काम आपको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स की मदद से हम मास निकाल लेंगे। कल मैंने बताया था ना, गिवन मास बाय मोलर मास, और याद है नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगैड्रोस नंबर। तो आप इस दोनों को इक्वेट कर दें। तो देखिए W आपको कितना दिया है, 2.8 into 10 to the power minus 22 मोलर मास मालूम नहीं है। नंबर ऑफ एटम कितना है, 3 अवोगैड्रोस नंबर, 6 into 10 to the power 22। तो यहां से आपको उस एटम का मोलर मास मालूम हो जाएगा। देखिए मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 into 10 to the power 23 इंटू 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 बाई 3। अब देखिए 2 इंटू इसका एक 10 बचेगा तो 28 56 हो जाएगा। ये एटॉमिक मास समझिए या मोलर मास समझिए, तो समझ जाइए कि ये मास नंबर आया है। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो 56 is equal to n plus 30 plus 30 plus proton, तो proton 26 है। proton जब 26 है तो electron भी x में कितना होगा, 26। तो electron x 2 plus कितना होगा, 24। 24 ऑप्शन में था आपको, बी ऑप्शन। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ हाँ बताइए, समझ में आया आपको सबको, 24 इज द करेक्ट आंसर। आवाज आ रही है, बोर्ड दिख रहा है सबको, जल्दी बताइए। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। गॉट इट, गॉट इट, ओके वरुण, गॉट इट।
बहुत ही सबको समझ में आ गया। देखिए तो देखिए इस चैप्टर में भाई क्वेश्चन कराने से फायदा हो रहा है कि नहीं आपको। थ्योरी इस चैप्टर में थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने सोचा इस चैप्टर का क्वेश्चन करा दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। और इसमें थ्योरी एक एक लाइन की थ्योरी है, मोल की डिफिनेशन जानते ही है। चलिए आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताएं। हाँ जल्दी लिख लीजिए। चलिए आ आइए, अब हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे पहले दो मिनट थ्योरी समझा देता हूं। कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, जो मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूं, एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मोलर मास। इस पर भी आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के मेरे आ चुके हैं क्वेश्चन। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो देखिए कोई एलिमेंट है अगर आपके पास, उसके अगर आइसोटोप्स हैं, सारे लोग सुनिए आइसोटोप्स हैं, उस पर फिर क्वेश्चन देंगे। आई वन और आई टू दो आइसोटोप्स, या हम मान लेते हैं ए वन और ए टू, ठीक है, मान लीजिए आपको ए वन और ए टू है और उसकी परसेंटेज एबंडेंस दी हुई है। परसेंटेज का मतलब नेचर में कितनी परसेंटेज है, तो ये मान लीजिए एक्स वन परसेंट है या एक्स टू परसेंट। तो याद रखिए एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका है ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू बाई एक्स वन प्लस एक्स टू, ये एवरेज है। अब आइए एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे, पहले लिखिए सारे लोग इसको। क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पहले कंसेप्ट समझ लें। डबल ए का मतलब एवरेज एटॉमिक मास है, अब देखिए एवरेज मोलर मास कैसे निकाल। अब गौर से सुनिए अच्छे से, एवरेज मोलर मास दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ए डबल एम। इसको याद रखने का तरीका है कि मोल आप कैसे निकालते हैं, इसको मैं पहले ये लिख देता हूं एवरेज मोलर मास, पहले ये जानना जरूरी है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस, एवरेज मोलर मास सिर्फ गैस का कहा जाता है। द मास ऑफ वन मोल ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन वन गैस, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पहला सिंपल फॉर्मूला याद रखने का तरीका, आप जानते हैं मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, इसी से फॉर्मूला निकाल लो। पहला फॉर्मूला एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल मास, बस इसको इधर कर दो, टोटल मास बाय टोटल मोल, कभी भूल नहीं पाओगे। मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास,
तो मोलर मास इधर जाएगा, मोल लेके आ जाएगा, तो बस यहाँ पर लिखना है टोटल मास बाई टोटल मोल, जल्दी लिखो। हाँ वेरी गुड, बेहतरीन। तो एवरेज मोलर मास पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो मैं कराऊंगा ही, पहले दो लाइन और मैं लिखा देता हूँ आपको, समझा कि नहीं, कि आपको दिक्कत ना आए, समझा कि नहीं। तो एवरेज मोलर मास के लिए जरूरी है कि ये सिर्फ गैस के लिए होगा, ये सिर्फ गैस के लिए होगा। और आप देखो इसमें, इसके कैलकुलेशन के लिए एक और बहुत अच्छी चीज की जरूरत है, वो है आपके पास अब तुम्हें सबको मालूम है ना कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, बोलो। इसका इसमें बहुत जरूरत होगा, मोलर मास बाय टू, और ये एप्लीकेबल है फॉर वन गैस के लिए, लेकिन फॉर मिक्सचर ऑफ गैस के लिए वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज मोलर मास बाय टू। ये जो फॉर्मूला बुक लिखता है वो सिंगल गैस के लिए, सिंगल। चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा देता हूं कि तुम्हें समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन, बाकी जो नई चीज आएगी वो क्वेश्चन के जरिए आ जाएगी, मैंने पहले बता दिया। इस पर क्वेश्चन लिखो कि मान लो कि आयरन के तीन आइसोटोप दिए हुए आपको, Fe54, Fe57, 6 Fe57। परसेंटेज अबंडेंस आपको दिया हुआ है 5%, 90%, 5%। आपसे पूछेगा कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, आपको पूछेगा ए ऑप्शन 54U, बी ऑप्शन 56U, सी ऑप्शन 55.95U, डी ऑप्शन 56.05U। आप इसका आंसर करके देखा, लाख तक आंसर नहीं आया। हाँ चलिए अब आया, इज द करेक्ट आंसर एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 54 × 5, 56 × 90 प्लस 57 × 5 बाई 100। तो 55.95 बाई 100, 55.95U। बताइए सबको समझ में आया, बोलो। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने आना चाहिए, आगे बढ़ें।
बताइए सबको समझ में आ गया ना? चलिए अच्छी बात है। अगर आपको ये दिया हुआ हो लिखा गया है कि इफ द मिक्सचर कंटेन द मिक्सचर कंटेन 60 mole% CO2 एंड 40 mole% ऑफ CH4 कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ए ऑप्शन 328 बी ऑप्शन 3.28 सी ऑप्शन 32.8 डी ऑप्शन 0.32। चलिए जल्दी से बना के दिखाइए। इसको बंद कर दो, चला दे, हाँ बंद कर दिया। अच्छा ये नहीं हो पा रहा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं एक नई चीज बताता हूँ, चले सारे लोग सुनिए। आंसर इज सी। चलिए आप देखिए, पहले सुनिए एवरेज मोलर मास का अपना फॉर्मूला क्या है, गौर से सुनो। टोटल मास बाई टोटल मोल्स, गौर से सुनो अच्छे से, ये आपके पास फॉर्मूला है। मान लो कि कोई मिक्सचर है, गौर से सुनो अच्छे से, कोई मिक्सचर है उसमें दो गैस है, गैस फर्स्ट गैस सेकंड, और से सुनो पहले कंसेप्ट। इसका मोलर मास जो है वो मान लो M1 है और मोल मान लो N1 है। उसी तरह गैस सेकंड का मोलर मास मान लो M2 है और मोल जो है वो N2 है। तो इस फॉर्मूले पे पुट करो, सारे लोग और से सुना कैसे ये क्वेश्चन होगा, उसके बाद फॉर्मूला याद रखना। तो एवरेज मोलर मास इक्वल टोटल मास, तो बताओ यहाँ मोलर मास है और मोल है, मास को मोल को मास में कन्वर्ट करना तो क्या लिखते हैं N1 M1, क्यों? मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास इंटू मोल। तो मास अगर निकालना तो मोल इंटू मोलर मास प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स N1 प्लस N2। अब देखो सारे लोग प्लीज, M1 को रहने दो, N1 पर N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, N2 N2 बाई N1 प्लस N2। तो देखो इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल को टू मोल से डिवाइड करो। देखो मोल है M1 का I1 M2 का I2, याद रखो जब मोल प्रोडक्शन होगा तो एवरेज मोलर मास। तो न्यूमेरिकल में मोल प्रोडक्शन दिया हुआ है, मोल परसेंट, देखो इधर मोल परसेंट 60% है। व्हाट डज मीन, तो मतलब मोल प्रोडक्शन 0.6 है। अगर मोल परसेंट
मोल पर परसेंट कैसे निकालते हैं, उसमें भी तो रेशियो ही तो लेते हैं। मोल परसेंट 40% है तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.4। तो यहाँ पर एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होगा M1, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 44 × 0.6 प्लस कितना है, याद रखो एवरेज मोलर मास का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसको तोड़ के एक फॉर्मूला ये बना, मास को लिख सकते हैं ना मोलर मास इनटू मोल, इसी को तोड़ के ये बना। बोलो बोलो अच्छे से बोलो, समझ में आया कि नहीं? ए अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहा है, कुछ तो बोलो यार। हाँ ये हुई बात मोल, और ये बात केमिस्ट्री में याद रखो, मोल फ्रैक्शन अगर 0.4 है, मोल फ्रैक्शन अगर 0.4 है तो उसका मतलब हुआ कि मोल परसेंट 40% है। फ्रैक्शन विदाउट 100 लेते हैं तो भाई मोल फ्रैक्शन मोल परसेंट एक ही बात ही पर है 100 का। हाँ इसलिए क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। जी जपनीज कलर आपको समझ में आ रहा है? जपनीज कलर इंडिविजुअल मास कहाँ लिखा हुआ है? मास गिवन ही नहीं है तो कैसे मास आपको गिवन है? मास कहाँ है निकाल के, कैसे मास ना मोल परसेंट है मोल फ्रैक्शन है कैसे निकाल लिया आपने? वो आंसर आपका आ गया होगा, उसका में आ गया होगा, मिला के आंसर आ गया होगा। ये मोल परसेंट है तो तो फिर उसको मास में कन्वर्ट, वो भी आ जाएगा, उससे भी हो जाएगा जो आप कहना चाह रही हैं कि मोल को मास में कन्वर्ट कर लें, समझा? लेकिन ये फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो आपने निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने प्रूफ करके दिखाया है आपको। ये डायरेक्ट याद रखना है, एक ये याद रखना है, ये डायरेक्ट याद रखना है। वो मैं समझ गया कि मोल से आप मास निकाल लीजिए, बात वही है, उससे भी आंसर यही आएगा। इसमें कुछ आ रहा है इस M1 H1 M2 H2 में कुछ भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पूछ दीजिए आपको आ जाएगा। ओके सबको समझ में आ गया? जल्दी बोले, लिख लिया? अच्छा चलिए अब देखिए मैं एक शॉर्ट टेप एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, और से सुनिएगा इस बार और अच्छा क्वेश्चन कैसे देगा। तो एवरेज मोलर मास का कैसे हुआ? दो फॉर्मूला हुआ M1 H1 मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, मास मोल के फॉर्म में, तो आपको बता ही दिया गया। अब देखिए और से सुनिए द एटॉमिक क्वेश्चन, लिखिए द एटॉमिक मास ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एलिमेंट इज A-1 एंड A+2। एक एलिमेंट के दो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास, एक आइसोटोप का एटॉमिक मास A-1 है, दूसरे का A+2 है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज
कैपिटल ए, कैलकुलेट द परसेंटेज एबंडन ऑफ आइसोटोप्स ए माइनस वन. ए माइनस वन, ए माइनस वन की कितनी परसेंटेज है वो निकाल के दिखाइए. तो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला मौजूद है, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू डिवाइडेड बाई ए वन एक्स वन प्लस ए टू. तो आपको परसेंटेज ए का दिया हुआ है 40%, बी का दिया हुआ है 60%, सी का दिया हुआ है 66.67% और डी का दिया हुआ है 33.34%. अच्छा, मुझे मालूम है कि इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा होगा. चलिए चलिए, मैं थर्ड फर्स्ट क्या है गौर से सुनिए. मैं थर्ड फर्स्ट ये है कि हम मान लेंगे कि परसेंटेज ऑफ ए माइनस वन एक्स है, तो परसेंटेज ऑफ ए प्लस टू कितना हो जाएगा 100 माइनस. तो एवरेज एटॉमिक मास आपको मालूम है ए वन एक्स वन, ए माइनस वन इंटू एक्स, 100 माइनस एक्स इंटू ए प्लस टू डिवाइडेड बाई 100. एवरेज आपको ए दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आप एक्स निकालेंगे. क्या आप लोगों ने इसी तरह दिया किया है, यस या नो? वैल्यू इसी तरह पुट किया, जल्दी बोलिए. तब तक बोलिएगा, अंदर देख रहा है. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, तो इतना करने में टाइम लगेगा, मैं शॉर्ट ट्रिक्स दे देता हूँ. और सुनिए, शॉर्ट ट्रिक्स मैं दे देता हूँ, इतना करने में तो टाइम लग जाएगा. तो देखिए, मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ. नोट ये है, अगर कोई एलिमेंट है, और सुनो, उसके दो आइसोटोप्स हैं. आइसोटोप्स आपके दो हैं, आई वन और आई टू. अगर परसेंटेज ऑफ आई वन निकालना हो, गौर से सुनिए, मॉडुलस लीजिए, एवरेज एटॉमिक मास दिया रहे. हाँ, अगर एवरेज मोलर मास है तो एवरेज मोलर मास लिखना, या एवरेज है तो एवरेज एटॉमिक मास लिखना. माइनस आई वन का परसेंटेज निकालना है तो आई टू का घटाइए. अगर आई टू लिखेंगे तो ये तो यही रहेगा, यहाँ आई वन रहेगा. अब डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ आई वन, एटॉमिक मास ऑफ आई टू. मॉडुलस इसलिए लिया तो डिफरेंस पॉजिटिव में रहना चाहिए. दिस इज द शॉर्ट तरीका. पहले नोट लिखिए, जल्दी से जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए. अब हमें देखिए, सारे लोग, परसेंटेज ऑफ ए माइनस वन निकालना है,
तो एवरेज एटॉमिक मास कितना है ए, और जिसका निकाल दूसरे का एटॉमिक मास कितना है ए प्लस टू डिवाइडेड बाय ए माइनस वन ए प्लस टू इंटू हंड्रेड। तो ए माइनस टू मॉडुलस ए माइनस वन माइनस ए माइनस टू इंटू हंड्रेड कैंसिल कैंसिल टू बाई थ्री इंटू हंड्रेड 66.6%। दिस इज आसान तरीका, नो कैलकुलेशन है। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अच्छा जब आपको इतना आ गया तो आप बना के दिखाइए, देखना है जोर कितना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4 is 27.6। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ NO2 इन द मिक्सचर। चलो जल्दी से बनाओ, ए 20%, बी 80%, सी 66%, डी 34%। ये बना के दिखाइए, देखना है जोर कितना बार हुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बना के दिखाइए, ओके अरे वरुण तुमको क्या डाउट था, ए प्लस वन कहा है इसमें, ए माइनस वन था और ए प्लस टू था। माइनस करेंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस ना हो जाएगा। ओके ओके
दिया गया माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी है भाई, क्या बात है भाई, सबका आंसर आना चाहिए। या आप किसका भाई, नासिर भी आया है, फातिमा बतूल, गुड, बेहतरीन है आप लोग, बहुत अजीम शख्सियत हैं। अच्छा चलो, तुम लोग बिहारी हो, पहले वेपर डेंसिटी से हम एवरेज मोलर मास निकाल लेंगे। एवरेज मोलर मास वेपर डेंसिटी इंटू टू, 2 × 27.6, 2 × 12, 2 × 14, 15, 55.2 पहले एवरेज मोलर मास। आप मुझे क्या है परसेंटेज ऑफ एनओ टू, तो एवरेज मोलर मास 55.2 माइनस एनओ टू है तो N2O4 का मोलर मास 92, 46 माइनस 92 इंटू 100। तो जी आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये सालबन भाई इसकी ही परसेंट रहेगा, तो 55 पॉइंट आपके पास है, 96 माइनस 55.2 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100। एक मिनट, सबका आंसर आया कि नहीं, तो 96 माइनस 55.2 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100, 88 आ रहा है शायद। कैलकुलेशन किसी का सही है क्या, किसी का कितना आया है, गड़बड़ा तो नहीं है। एक मिनट, 20 आप लोगों को कितनी परसेंट है, 88 शायद, कितना आ रहा है, 27.6 है, तो परसेंटेज ऑफ एनओ टू निकालना है ना, हाँ एनओ टू निकालना, ठीक है, 2 × 27.6 ये आएगा 55.6, ठीक है भाई, और आपके पास है 28 प्लस 62 माइनस 55.2। अच्छा अब गलत, हाँ ये हुआ, डिवाइडेड बाय 46, हाँ अब सही है, 88 गलत आंसर है, चलिए हाँ 80% आएगा, वो मुझे कैलकुलेशन में गलती हो रही। चलिए बताइए, सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आ गया, चलिए बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अच्छा चलिए, इस पर अब एक हम, हाँ गॉट इट, ठीक है, इस पर हम एक बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, तो तुम लोग जल्दी करके देखाओ, और उसके बाद हम लोग दूसरे कंसेप्ट पर चलेंगे। क्वेश्चन है द परसेंटेज बाय मोल, कोई बात नहीं, मोल से भी कोई बात नहीं, बाय मोल ऑफ एनओ टू इन अ मिक्सचर ऑफ एनओ टू गैस एंड एनओ गैस हैविंग एवरेज मॉलिकुलर मास 34 is, ए ऑप्शन 25%, बी 20%, सी 40%, डी 75%। चलिए बनाइए आप सारे, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बनाइए।
जानकर सबका आना चाहिए। अरे बड़ी मेरे को कि पानी पानी लेके आना, जल्दी जाओ। जा आंसर नहीं आया, बताओ कितना आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी। एवरेज मॉलिकुलर मास, एवरेज मॉलर मास, बात एक ही हुई, जल्दी करो। ये अल्लाह किसी का आंसर नहीं आ रहा, जल्दी यार फॉर्मूले पर रखो ना। देखिए कितनी बदमाशी है इन लोगों की। अरे कितना आंसर आया, आवाज नहीं आ रही है मेरी। ये तो कैलकुलेशन आसान है। परसेंटेज ऑफ NO2 है 34 माइनस 30 by 46 minus 30 into 100, 4 by 16 तो यही आ गया 25%। ये by mole ही लाएगा क्योंकि average molar mass कितनी है, 1 mole, जो भी percentage आएगी वो by ये इस option। अरे आप क्यों नहीं answer आएगा, एक एक line करने में 10 मिनट लगता है क्या, बिहारी लोग हो तुम लोग। चलो ये भी concept ठीक है, तुम लोग अच्छी बात है, सीखते रहो। देखो अब हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। सारे लोग सुनो, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। पहले एक और सुनो, एक दो चीज पहले बता देता हूं। कंसंट्रेशन टर्म्स को याद रखना है अगर आपको, तो केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट में याद रखिए। ग्रुप ए, ग्रुप ए में जो भी होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट में आता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, वी बाई वी। तीसरा मोलारिटी, चौथा नॉर्मलिटी। क्या आप गवाही देंगे कि नॉर्मलिटी मैं पढ़ा चुका हूं, एन फैक्टर इक्वालेंट, वेट ग्राम लॉग इक्वालेंट, इन चारों में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये चारों टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ग्रुप बी में इस तरह याद रखो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आइए कोई नहीं है, नहीं दे सकते, आइए अब चाय बना के लाइए। हाँ यहाँ देखिए सारे लोग, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में परसेंटेज बाय मास। मेरी वाइफ अभी आई थी, कोई देखा तो नहीं मेरी वाइफ को, सच सच बताओ किसी ने देखा तो नहीं। ए अल्लाह बताओ ना। हाँ अल्लाह का शुक्र है, हाँ वेरी गुड, हाँ देखना गुनाह है, हाँ ठीक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ मोल फ्रैक्शन थ्री आपके पास है, मोलालिटी, ये मैं डिफिनेशन सब नहीं बताऊंगा, ये सब आपको आता है, बस मैं एक थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा। इसके अलावा दो कंसंट्रेशन टर्म्स आ रहे हैं जो मैं अभी लिखा उसको मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बस समझना कि सर इसकी डिफिनेशन निकाली, ये सब आपको मालूम है।
60 पर मिलियन, इस साल 60 पर मिलियन पर भी क्वेश्चन आए हैं। हाँ, तो ये टोटल 8 कंसंट्रेशन है, 4 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये 4 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या है, चारों में वॉल्यूम नहीं है, मास है, इस तरह याद रखो। अब इसके अलावा टोटल 8 हो गए, तो स्टूडेंट इस पर तो कड़ी नजर करता है, लेकिन उस दफा क्या किया, जी मेंस ने एक अलग टाइप का भी क्वेश्चन पूछा, नीट में भी आ चुका है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि 8 के अलावा और कौन कंसंट्रेशन कम केमिस्ट्री में है। पहले लिख लिए तुम लोग, जल्दी बोलो। एक तो देखो ऑब्जेक्टिव में ये सब भी आ सकता है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, या कभी कभी क्या लिख देता है, 5 कंसंट्रेशन था, 5 कंसंट्रेशन टर्म्स लिख देगा, क्या बताओ कितना इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इस तरह को लिख 1 2, उसमें पहचानना होगा। पहचानने का तरीका, वॉल्यूम जिसमें है, वॉल्यूम वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखो आप देखिए, गौर से सुनिएगा अच्छे से, इसको मैं आपको इस तरह लिखा रहा हूं, स्पेशल कंसंट्रेशन। स्पेशल क्यों लिखा, स्टूडेंट को ध्यान ही नहीं रहता है, और मैं बताऊंगा कहा सिलेबस में, इसमें 2-3 होता, लेकिन एक पर आज तक क्वेश्चन नहीं आया, तो पढ़ना भी नहीं है और कहीं पर है भी नहीं। एक है आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये तुम्हारे सेकंड 11th के सेकंड बुक में हाइड्रोजन चैप्टर में एनसीईआरटी में खुद न्यूमेरिकल 2-3 दिए हुआ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हाइड्रोजन चैप्टर में मिलेगा, मैं रेफरेंस दे रहा हूं कि आपको ये ना लगे। और एक है डिग्री ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस भी पढ़ना है हाइड्रोजन चैप्टर में, न्यूमेरिकल नहीं दिया है, लेकिन ये क्यों दिया है, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस PPM में निकाली जाती है, अब PPM चूंकि सिलेबस में है इसलिए वो कहेगा। हार्डनेस तो पढ़ना, हार्डनेस किसकी वजह से होता है, कॉज ऑफ हार्डनेस। तो ये 2 स्पेशल कंसंट्रेशन कम है, ये तो एनसीईआरटी में टॉपिक भी है न्यूमेरिकल भी है, ये एनसीईआरटी में टॉपिक है न्यूमेरिकल नहीं दिया है, न्यूमेरिकल इसलिए देगा क्योंकि डिग्री ऑफ हार्डनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ PPM, यहां पे लिख लो, इट इज मेजर्ड क्यों वो बताएंगे आपको, इन टर्म्स ऑफ PPM। बोलो आया सबको समझ में, कोई बोल ही नहीं रहा यार, तुम लोग कुछ तो बोलो। तो ये 2 स्पेशल है, तो हम इस दोनों को पहले पढ़ा देते हैं क्योंकि ये नई चीज है तुम लोगों के लिए। हाँ लिख लिए, हाँ वेरी गुड, बहुत बेहतर, बहुत अच्छे आदमी है आप लोग, यहाँ देखो। अब सुन अच्छे से, बहुत आसान है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पहले लिखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, याद रखो द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इज लेबल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मतलब क्या वो बताएंगे आपको। तो कोई भी पूछे वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, कहो H2O2, जैसे तुम किसी दुकान पर H2O2 लेने जाओगे ना, तो उसके बॉटल पर मोलारिटी वगैरह नहीं लिखा रहेगा, 10V, कहीं पर बॉटल पे 5V ये लिखा रहेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, H2O2 की कंसंट्रेशन को बताने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक। अब इसकी मीनिंग, जैसे मोलारिटी है 1 mm, व्हाट डज मीन, तो 1 mole ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ। उसी तरह 10V लिखा रहेगा,
टेन वी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये मैंने मान लिया है, साइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम एक्सटेंट को V से देखा है। तो पहले सुनिए, पहले क्या है, आपका मालूम है H2O2 लिक्विड फॉर्म में है, जब ये डिकम्पोजिशन होता है, जब ये डिकम्पोजिशन होता है तो H2O प्लस O2 बनता है, 2H2O, 2H2O, और ये गैस है। तो 10V का मतलब सुनो अच्छे से, इट मीन्स, एक एग्जाम्पल लेके मतलब, बाकी मैं फॉर्मूला ड्राइव नहीं करूंगा, ऐसे डेरिवेशन है, बहुत आसान डेरिवेशन है, लेकिन तुमको डेरिवेशन का मतलब नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। इट मीन्स गौर से सुनो, ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन गिव्स, और सुनो गिव्स, जैसे 1 ml ऑफ 1 mole ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, कितना 10V का मतलब 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन गिव्स 10V, 10 लीटर ऑफ O2 गैस एट HCC, ये मतलब हुआ। तो 10V का 5V रहता तो 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन गिव्स, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है और इसी को करके फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। अब खुद सोचो, O2 का वॉल्यूम मालूम हो गया तो O2 का मोल्स मालूम हो जाएगा, जब O2 का मोल्स मालूम हो जाएगा तो H2O2 का मोल मालूम हो जाएगा, तो फिर मोलारी आपको वॉल्यूम एक्सटेंड देकर मोलारिटी नॉर्मेलिटी ये सब पूछेगा। तो इट मीन्स ऑन, अच्छा वन नहीं, ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर ऑफ H2O2 गेस्ट, यानी 10V का मतलब ये हुआ, इसमें तुम्हें 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलेगा। बोलो आया कि नहीं सबको सवाल में, जल्दी बोलो। वेरी गुड। अब इस पर देखो छोटे छोटे, पहले रिलेशन मैं बता देता हूं, सबका डेरिवेशन मौजूद है, लेकिन डेरिवेशन पर ध्यान मत दो क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं, तुम्हें फॉर्मूले से मतलब है कैसे था? तो ये स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो स्पेशल में आपको ये सिलेबस में है, मैंने चैप्टर का नाम बता दिया है, आप जाके देखिएगा H2O हाइड्रोजन चैप्टर, एनसीईआरटी के इंटेक्स में खुद दो एक आप क्वेश्चन दिया है, तो इसलिए आपसे ये पूछ सकता है। अब आओ देखो सारे लोग अच्छे से, कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम मोलारिटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो गौर से सुनो, तीन चार चीज कह सकता है। तो देखो अभी बताएंगे न्यूमेरिकल, पहला रिलेशन तुम प्रूव कर सकते हो, देखो सारे लोग गौर से सुनो, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 11.2 इंटू कैपिटल एन, वी यहां पर क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, कहेगा मोलारिटी के साथ 11.2 का है, प्रूव कर लो। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 का लिख सकते हो, 10 मान मान लिया, और सुनो हमने 10 ना लेकर वी मान लिया, तो V को अगर हम वॉल्यूम एक्सटेंस मान लेंगे तो NO2 का वॉल्यूम क्या होगा, V by 22.4, 10V है तो यहाँ 10 लिख दोगे, 5V है तो यहाँ 5 लिख दोगे 5 लीटर। तो जब O2 का मोल इतना है तो बताओ H2O2 का मोल कितना होगा, जितना O2 का मोल है उसका डबल हो जाएगा। देखो इक्वेशन में देखो 2H2O2 है तो क्या हो जाएगा, 2 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो 2 into वॉल्यूम बाई 22.4, इसको लिखना नहीं 11.2, तो ये H2O2 के मोल्स निकल गए। अब देखो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो H2O2 के मोल्स कितने हो जाएंगे 11.2, और वॉल्यूम क्या है, डिफिनेशन में देखो लिखा हुआ 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया, मोलारिटी इज इक्वल टू V बाय 11 बाय 2,
तो बी इज ए गन, इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको प्रूव है। अब आप बी बी रिलेशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इनटू नॉर्मली, अल्लाह अकबर। यहाँ देखो सारे लोग, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ की मदद से नॉर्मली के निकालना किस तरह होगा, कुछ तो बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा यार, कुछ तो बोलो यार। बोलो बोलो, ये समझ में आया? तो H2O2 की कंसंट्रेशन को हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ से डिनोट करते हैं। बताओ कोई बताओ भाई, रिस्पॉन्स करो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Got it. Okay, got it. आप सुनो, ये दो चीज मालूम है तो सब कुछ निकाली जा सकती है। देखो तुम्हें क्वेश्चन क्या देगा, गौर से सुनो, क्वेश्चन लिखो, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 10V, कैलकुलेट, जल्दी जल्दी बताओ, मोलारिटी कितनी होगी, नॉर्मेलिटी कितनी होगी, सी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर। अब ये सब नई चीज देगा, ग्राम पर लीटर ये कैसे, चलो इसको निकाल के तुम लोग दिखाओ जल्दी से। जो आंसर नहीं दे रहा, मोलारिटी की वैल्यू बोलो ना यार, बताओ, बी सेकंड टू मोलारिटी इंटू 11.2, तो मोलारिटी सेकंड टू 10/11.2, सारे लोग लिखे हो, नॉर्मलिटी सेकंड टू 10/5.6 लिखे हो। अब ये जो पूछा है ना ग्राम पर लीटर, तुमको बस मोलारिटी आना चाहिए, मोलारिटी आए, बाकी सब चीज उसी की मदद से निकाल। देखो मोलारिटी निकल टू है, और सिस्टम 10/11.2, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। अच्छा एक बात बताओ, मोल को मास में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, तो बस 10/11. अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद कर लो, मोलारिटी इंटू 34 बार, ग्राम पर लीटर में जब भी कहे तो तुम मोलारिटी निकाल लो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये सुनो ये हर जगह नहीं लगेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की मदद से ग्राम पर लीटर निकालने को कहे तो मोलारिटी को 34 कहां से आया,
H2O2 34 मोलर मास। तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोलर ग्राम पर लीटर। कोई बोल ही नहीं रहा है, ए अल्लाह कुछ तो बोलो यार, तुम लोग कैसे खराब हो चुके हो, जल्दी बोलो आया। मोल को खुद सोचो, मोल को मोलर मास में मास में कन्वर्ट करना है, तो मोल इसे कंटू क्या होता है, जीवन मास है मोलर मास, तो मोल इनटू मोलर मास मास हो जाए। हाँ ये शॉर्ट तरीका समझाने रखो कि कम टाइम लगेगा, इसमें जो है वही आता ही है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बेहतरीन। तो बताओ अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इस तरह लिख देना है, समझ रहे हो। और तुम चाहते हो तो 340/11.0 हो गया। और यही एनसीईआरटी में क्या दिया है क्वेश्चन 33, एनसीईआरटी में वॉल्यूम स्ट्रेंथ की मदद से मोलारिटी का फॉर्मूला नहीं दिया, नॉर्मलिटी नहीं दिया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का निकालने के। लेकिन जब ये सब दिया है तो मोलारिटी दे सकता है। तो याद रखो जब भी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर में वॉल्यूम स्ट्रेंथ की मदद से क्या है तो मोलारिटी निकाल लो और 34 से मल्टीप्लाई करो। ये है कंसेप्ट, बताओ आगे बढ़े। अरे बोलो 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 यार, कोई बोल ही नहीं रहा है। आप सुनो अच्छे से, आप सुनो अच्छे से, इधर सुनो इधर सुनो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर तुम चाहते हो बनाना तो गौर से सुनो, गौर से सुनो। अगर इस क्वेश्चन में गौर से सुनो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये नोट करके लिख लेना, देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज गिवन, ये गिवन है। एक एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर भी गिवन है। तो देखो तुमको ये शॉर्टकट, अच्छा अच्छा अब एक शॉर्टकट तुम्हें बताया नहीं, अच्छा मोलारिटी नहीं पढ़े, चलो वो मोलारिटी में ही बता देंगे, पढ़े नहीं हो सकते, चलो इसको देख लिए, चलो वो जब मोलारिटी पढ़ाएंगे ना तो उसमें आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। कल क्लास में आइए, तो कल हम लोग इससे कल लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, कल ये लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच।